और इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान कार में सरकार में मौजूद रहेंगे। चिराग पासवान हमारे साथ यहाँ पर आपको नजर भी आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच रूबिका जी। तो आप तैयार है सवालों के लिए? एब्सोल्युटली। तो सवारी भी हमारी तैयार है, आइए। तो चिराग पासवान हमारे साथ इस वक्त गाड़ी में मौजूद है, पटना से आप हाजीपुर में अलग अलग रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। 5 सीटों पर कैसा है चुनाव आपका? वेल वंडरफुल। अगर मैं बोलूंगा तो आप फिर वही कहेंगे कि आपकी सीटें, इसलिए आप ऐसे कह रहे हैं। बट एक्चुअली 5 की 5 हम लोग जीतने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। एंड नॉट ओनली 5 की 5 रूबिका जी, बिहार में जो समीकरण जिसपे अभी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो इतना मजबूत है, हम लोग का गठबंधन इतना मजबूत है कि बिहार की 40 की 40 सीटें एनडीए जीत रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं आपके लिए, रैली करते हैं, सारे प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं, इतनी क्यों मोहब्बत है आपसे? जबकि सबसे बड़ा सवाल जो परिवारवाद पर उठाते हैं चिराग, उसका दंश तो आप तक भी पहुंचता ही है। देखिए, ये वही रिश्ता है मेरा मेरे प्रधानमंत्री का, जिसकी मर्यादा मैंने, उन्होंने हमेशा रखी। कई बार रूबिका जी मुझे ताने सुनने को मिले हैं कि बड़ा अपने आप को हनुमान कहता था, क्या हुआ जब ये सारी घटनाएं घट रही थी। ये व्यक्तिगत रिश्ता मेरा मेरे प्रधानमंत्री के साथ हमेशा से रहा है, जिसका राजनीतिक फायदा ना मैंने कभी उठाया ना उन्होंने। मुझे भी खैर अब ताजुब होता है जिस तरीके से उस दिन सार्वजनिक मन से उन्होंने इतनी सारी बातें कह दी। एक बार और मुझे आश्चर्य हुआ था जब एनडीए की बैठक में उन्होंने मुझे सरेआम गले लगाया था। ये वो रिश्ता रहा है हम दोनों के बीच में, उन्होंने भी इसका हमेशा सम्मान किया, मैंने भी हमेशा सम्मान किया। 400 पार का वो नारा दे रहे हैं, आपको लगता है सच में 400 पार हो पाएगी? 400 तो सरलता से पार कर लेंगे, आगे कितना जाते हैं। बिल्कुल, कारण है ना, आज हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, उनके नेतृत्व में सबका विश्वास। आप मुझे बताइए ना, विपक्ष में है क्या एक बटा हुआ विपक्ष? राहुल जी की अपनी सीट पे उन्हीं के सबसे प्रमुख घटक दल के सबसे बड़े नेता के परिवार के सदस्य उनके सामने वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब जाते जाते उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो ऐसे में ना आपका गठबंधन मजबूत है, ना आपके पास कोई नेता है। 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार सामने दिखाई देने लगते हैं। तो जब ना नेता है, ना गठबंधन है, ना नीति आपकी स्पष्ट है, तो ऐसे में जनता आप पे क्यों विश्वास करेगी? तो क्यों कह रहे हैं वो कि आप लोग 150 पार नहीं जाने वाले, सिमट जाएंगे 150? क्या बोलेंगे, अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये सब झूठी बयानबाजी तो करनी होगी। हकीकत उनको भी पता है, धड़कने अंदर से उनकी भी बढ़ी हुई है, क्योंकि इस बार ऑल टाइम लो पे जा रहे हैं। कांग्रेस इधर आप देखिएगा रूबिका जी, अपने ऑल टाइम लो पर होगी, ऑल टाइम लो। बाकी दलों का तो मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि सब ऑलरेडी जीरो पे है। मैं बिहार से हूं, राजद को मैं क्या बोलूं कि नीचे जाएगी, राजद ऑलरेडी जीरो पे है, उनका कोई सांसद लोकसभा में नहीं है। बट कांग्रेस ऑल टाइम लो पे देश भर में जाएगी। विपक्ष को आप लोग किस नजरिए से देख रहे हैं? मतलब आपका ये कहना ऑल टाइम लो, तो लोकतंत्र काम कैसे करेगा? सब आप अपने पास रख लेंगे, सारी सीटें आप ले लेंगे, तो फिर कोई तो विरोधी सुर छोड़ेगा ना? बिल्कुल होना चाहिए, और मैं पक्षधर हूँ। एक मजबूत विपक्ष आपके लोकतंत्र को मजबूत करता है, और ये होना चाहिए। पर अगर विपक्ष ही मजबूत नहीं होना चाहे, विपक्ष ही अपनी खामियों में इतना ज्यादा खुद को ही उलझा दे कि हर बीतते चुनाव के साथ उनका प्रदर्शन और बुरा होता जाए। आप देखिएगा, 14 से बुरा प्रदर्शन इनका 19 में रहा, 19 से बुरा इनका 24 में होने वाला है। तो जब जनता का एक हिस्सा भी अगर आप पे विश्वास नहीं कर रहा, तो ये गलती हम लोगों की तो नहीं है ना, आपको मेहनत करनी चाहिए। आप 5 साल देखिएगा, विपक्ष दिखता नहीं किसी मुद्दे पर, आपको कहीं ये लोग सड़क पर नहीं दिखेंगे। चुनाव आएगा तब ये लोग निकलना शुरू करेंगे, तो जनता कैसे आप पे विश्वास करेगी? तो आपको लग रहा है इनमें से कोई भी एक लायक नेता नहीं है? आपके तो दोस्त है तेजस्वी यादव, लायक नहीं है? ममता बनर्जी लायक नहीं है? राहुल गांधी लायक नहीं है? केजरीवाल लायक नहीं है? अरे ये हंसी अरे मतलब आर यू सीरियस? आपको सही में लगता है कि इनमें से देश का नेतृत्व करने के कोई लायक है? मतलब ये वो लोग हैं जो मतलब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए अपने गठबंधन की तिलांजलि दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए अपने लोगों को, अपने प्रदेश को सूली पे चढ़ा दें। मैं राजद की बात कर लेता हूँ, बिहार में आप देख लीजिए क्या किया, 15 साल दिए बिहार की जनता ने। आज भी बिहार के आप हालात देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर पलायन किसी के समय में हुआ तो 90 के दशक में। क्या थी ये पार्टी? लाठी में तेल पिलाकर अत्याचार और भ्रष्टाचार, अपराध को बढ़ावा देने वाली पार्टी। आज ये बोलते हैं कि हम लोग इतने लाख रोजगार देंगे, इतनी जमीनें हैं बिहार में कि इतने रोजगार दे देंगे।
बिना जमीन के तो रोजगार देते नहीं है, तो कहाँ से लाएंगे इतनी जमीन। पर रोजगार का वादा तो आपके सरकार में भी हुआ था, मतलब जिसके आप साथी हैं वो कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार, रोजगार सबसे चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, और इसीलिए जनता आपको सबक सिखाएगी। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने उस वादे पे खरा नहीं उतरे या उन वादों को हम लोगों ने पूरा करने के लिए कार्य नहीं किए। रूबिका जी, एक और बहुत बड़ी समस्या जिसको बहुत प्रैक्टिकली हम लोग को समझना होगा, 2014 में 125 करोड़ देशवासियों को हम लोग संबोधित कर रहे थे, आज 140 करोड़ देशवासियों को हम लोग संबोधित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रोजगार के अवसर पैदा नहीं हुए या रोजगार नहीं दिए गए। मेरे प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग मंत्रालयों के माध्यम से शिविर लगवाकर हम लोगों ने रोजगार देने का हम लोगों ने काम किया। बट जिस अनुपात में जनसंख्या भी बढ़ रही है, और ये बात को सबको मिलकर, और मुझे लगता है जात पात धर्म मजहब से उठकर, क्योंकि जैसे ही ऐसी कोई बात आती है तुरंत इसको धार्मिक सांप्रदायिकता का रूप देने लग जाते हैं कुछ लोग। ऐसे में रिसोर्स, साधन, संसाधन सब सीमित है। जरूरी है कि उस सीमित संसाधनों को कैसे हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, जनसंख्या पे भी निरंतर कर, ये तमाम विषय हैं जिस पर एक गंभीर मंथन चर्चा होनी जरूरी है। अच्छा, इसी के साथ एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि जब आप लोग आ जाएंगे, आपकी सरकार आ जाएगी, तो मुसलमानों का जीना दूभर हो जाएगा, संविधान की आप लोग धज्जियां उड़ा देंगे। संविधान बचाना है इसीलिए इंडिया को लाना है, ये नारेबाजी है। क्या हो गया पिछले 10 साल में बताइए मुझे, 10 साल में कौन सा कौन से मुसलमानों के ऊपर ऐसा कहर टूट गया? ये सब सिर्फ डराकर लोगों को विभाजित करने की रणनीति विपक्ष अपनाता रहा है। हकीकत है मेरे प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ समावेशी विकास की बात ही नहीं की, सबका साथ सबका विकास की उन्होंने बात ही नहीं की, उसको धरातल पर भी उन्होंने उतार कर दिखाया है। आज आप जितनी भी योजनाएं हैं रूबिका जी, आप देख लीजिए, भले वो उज्ज्वला की हो, आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए बांटने की बात हो, किसान सम्मान निधि देने की बात हो, या दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना जिसका श्रेय मैं मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूँ, 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटा जा रहा है, क्या उसमें हिंदू मुस्लिम देखा जा रहा है? क्या ये देख के आवाज बांटे जा रहे हैं कि ये हिंदू का घर है, ये मुस्लिम का घर है? ये लोग यही सब बातों का झूठ फैलाकर, भ्रम फैलाकर बंटवारे की राजनीति करते हैं। संविधान की बात करते हैं, आप मुझे बताइए, जिस संविधान की वजह से मेरे प्रधानमंत्री 3-3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हूं, जिस संविधान की वजह से आज वो 3री बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हूं, क्यों उस संविधान को हटाएंगे? आरक्षण की बात करते हैं, 2015 का पूरा चुनाव बिहार में इन लोगों ने आरक्षण हट जाएगा, आरक्षण हट जाएगा, लालू जी ने पूरा चुनाव लड़ लिया, जनता ने इनका साथ भी दे दिया। क्या हो गया 10 साल में भाई? केंद्र में एनडीए की सरकार रही, बिहार में भी गाहे बगाहे हम लोग की सरकार रही, क्या हो गया आरक्षण को? और जब ये लोग आरक्षण पे सवाल उठाते हैं ना, ये डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर उंगली उठाते हैं। इतना हल्का बनाया हुआ उनका संविधान नहीं है, और संविधान को भी खतरा नहीं है। मैं तो बोलता हूँ, मैं मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, जिन्होंने पूरा जीवन आरक्षण, संविधान, समाज के शोषित वंचित दलित अल्पसंख्यक समाज के लिए उन्होंने समर्पित किया, मैं तो उनके संघर्षों की कसम खा के बोलता हूँ कि जब तक चिराग पासवान है ना संविधान को खतरा है ना आरक्षण को खतरा है। हाँ, मैं आरक्षण पर आपकी राय जानना चाह रही थी, क्या एक युवा होने के नाते, मॉडर्न ख्यालात होने के कारण आपको लगता है कि आरक्षण पर एक नई नीति आनी चाहिए, या जैसा चल रहा है वैसा? जैसा चल रहा है बिल्कुल वैसा चलना चाहिए, कुछ नया नहीं। आरक्षण के कारण है, आप अब जैसे शेड्यूल कास्ट को जो आरक्षण दिया गया है, ये वो कास्ट हैं जिनको स्केड्यूल किया गया है हमारे संविधान में, जिनका आधार अनटचेबिलिटी रहा, छुआछूत जिनका आधार रहा है। शेड्यूल ट्राइब्स वो लोग हैं, वो ट्राइबल कास्ट हैं जिनका आधार ट्राइबल रहा है, ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स रहे, उनकी वेशभूषा, रहन सहन, उनका कल्चरल, उनका परंपराएं उनकी अलग रही है। इसके आधार पे अगर सरकार इंडिया गठबंधन की बन जाती है तो मुसलमानों को उनका हक छीन कर और आरक्षण दे दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, और क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। धर्म के आधार पर संविधान कतई इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप धर्म के आधार पर, और क्यों बांटना भाई, आरक्षण तो सबको मिल रहा है ना। आपने अनुसूचित जाति की बात की, मुसलमानों में भी जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको मिल रहा है। आपने अपर कास्ट के गरीब लोगों को आरक्षण देने की बात की, जो मुसलमानों में अपर कास्ट के गरीब लोग हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जो पिछड़ा वर्ग के मुसलमानों में से आते हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो जब आरक्षण का लाभ मिल ही रहा है, फिर वही अपीजमेंट पॉलिटिक्स, फिर वही तुष्टिकरण आप कह रहे हैं। 5 में से 2 सीटें आपने महिलाओं को दी है, सबसे पहले तो इसके लिए मुबारकबाद आपको, एक महिला होने के नाते ये मुझे बहुत बात अच्छी लगी है।
लेकिन दूसरी तरफ एक महिला को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में उठापटक चल रही, स्वाति मालेवाल को लेकर, अरविंद केजरीवाल के जिस पीए पर यह आरोप लगाए वो उनको साथ लेकर घूमते हैं, चिराग पासवान का इस पर क्या कहना? ओके, सो सॉरी टेकिंग दिस लिबर्टी, मैं आधा मिनट लूंगा आपके पहले वाले हिस्से पे थोड़ी सी और एक्सप्लेन करने का, क्योंकि मैं जिस राज्य से आता हूँ ना, यहाँ पे जातीयता और सांप्रदायिकता को फ्लॉन्ट किया जाता है। एक दल यहाँ पे ऐसा है जो MY समीकरण को फ्लॉन्ट करता है, जिसमें लोगों को जातीयता में बांटता और सांप्रदायिकता में। MY में मुस्लिम और यादव घर से ये लोग बोलते हैं। मेरा भी एक MY समीकरण है रूबिका जी, जहाँ पे महिला और युवा है, और जो 5 सीटें मुझे मिली हैं, महज 5 सीटों में मैंने अपने इन दोनों समीकरणों को साधा है। 4 युवाओं को मैंने टिकट दिया है, 2 महिलाओं को मैंने टिकट दिया है। जात पात धर्म मजहब सब एक तरफ, ये सब बताते हुए यू विल बी सो हैप्पी एंड सो प्राउड जब आप इन लोगों को भारत की संसद में बोलते हुए देखेंगी। ये वो बिहार की छवि है जो देश के सामने आनी चाहिए। यंग आर्टिकुलेट इंटेलिजेंट यंगस्टर्स, यू नो, जब वो भारत की संसद में बोलेंगे तो नए बिहार की छवि बनेगी। आपको आत्मविश्वास है 5 100% ऐसी शांभवी, ऐसी राजेश वर्मा, ऐसी अरुण भारती, चिराग पासवान तो रहेगा ही रहेगा, ऐसी वीना जी, ये 5 लोग हम लोग संसद में हम लोग बोलेंगे और बिहार की एक नई छवि। बिल्कुल खेला हो गया है। सो नाउ कमिंग बैक टू स्वाति जी वाला विषय, ये इतना गंभीर विषय है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एक मुख्यमंत्री के आवास पर एक महिला के साथ ऐसा बर्ताव होता है, और उसका जो आरोपी है, और ऐसा नहीं है कि अभी इसके ऊपर जांच होगी या झूठ बोल रहे हैं, झूठा आरोप लगाए, उन्हीं की पार्टी के एक सांसद ने इस बात को प्रमाणित भी किया है। उन्होंने, संजय सिंह जी ने, उनके राज्यसभा के सांसद, उन्होंने भी कहा है कि ऐसी घटना घटी है। एक मुख्यमंत्री के आवास पर अगर दिल्ली में महिला सुरक्षित नहीं है तो किस तरीके की सुरक्षा की बात करते हैं? वो दिन भी दूर नहीं था जब हम लोगों ने दिल्ली में निर्भया जैसा कांड भी हम लोगों ने देखा था, और उसी के खिलाफ, वो बात और है कि आज उसी सरकार का समर्थन लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं जिनके कार्यकाल में निर्भया का कांड हुआ, जिस वक्त ये सारी चीजें घटना घटी थी। बट बहरहाल आज ये लोग इस तरीके से मुख्यमंत्री के आवास में घटना घट जाती है और जो आरोपी है उसको मुख्यमंत्री अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। अखिलेश जी की यादव में लखनऊ ले गए उनको, और उसके बाद बोलते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कैसे कार्रवाई होगी भाई, आप उनको अपने साथ घुमा रहे हैं? और ये छोटी घटना है कि एक मुख्यमंत्री के आवास पर, मतलब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ, पर जो जानकारी सामने आ रही है, लात दूसरों से मारा गया और उनकी अपनी सांसद केस दर्ज करवा दिया है। बिल्कुल, और उसके बाद वो कुछ समय तक चुप थी, गायब थी। मुझे नहीं पता कि क्या दबाव की राजनीति हो रही थी, नहीं हो रही थी, पर ये तमाम बातें एक मुख्यमंत्री के आवास पर हो रही है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? और ये तब होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर पर सवाल पूछा जाता है, राजस्थान में बलात्कार पर सवाल पूछा जाता है, कहीं और अगर महिला के साथ दुर्व्यवहार हो जाए तो सवाल पूछ लिया जाता है। सो माई क्राइम इज लेसर देन योर्स डजंट मीन कि वो क्राइम नहीं है, अपराध अपराध है, और वो देश के किसी भी कोने में किसी भी महिला के साथ, एंड वाई टू सिंगल आउट महिला, किसी भी व्यक्ति के साथ, इंसान के साथ कहीं पे भी आपराधिक घटना घट रही है वो निंदनीय है। सरकारों की जिम्मेदारी है कि ऐसी घटना पर पूर्ण विराम लगाएं। क्या चिराग पासवान को 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक बड़ी भूमिका में देखेंगे दिल्ली में हम? मुझे नहीं पता कि भविष्य के घर में क्या है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट रूबिका जी, मैं जिन परिस्थितियों से निकल कर आया हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा भविष्य की प्लानिंग मैं देखता नहीं हूँ। मैं हर चुनौती के लिए अपने आप को तैयार करके मैं चलता हूँ। मैं मान गया हूँ अब इस बात को कि चाहत और हकीकत में बहुत फर्क होता है, बड़ी बात है, और हकीकत के सामने चाहतों के कोई मायने नहीं होते। चाहतों के अगर इतने ही मायने होते ना रूबिका जी, तो आज मेरे पिता मेरे साथ होते, मेरी पार्टी नहीं टूटती, मेरा परिवार नहीं टूटता। एक हकीकत ये भी है कि आप भी तो शहजादा ही हुए ना। राहुल गांधी शहजादा, अखिलेश यादव शहजादा, तेजस्वी यादव शहजादा, तो आप भी तो शहजादे हुए। परिवारवाद का आपको भी तो जवाब देना होगा। एक ऐसा शहजादा जिसका राजपाट सब लूट कर उसको बोला जा रहा है कि तुम शहजादे हो। सब कुछ तो मुझसे छीन लिया गया रूबिका जी। मेरे पिता ने जिस पार्टी को बनाया था, उस पार्टी का नाम, उस पार्टी का सिंबल जो मेरे पिता ने चुना था, वो लोग जो मेरे पिता ने तैयार किए थे। क्या ये सच है कि आपको सिंबल देने वाला भी कोई नहीं था? इस बार कोई नहीं है मुझे सिंबल देने वाला। पापा मुझे 2014 में उन्होंने दिया था, 2019 में उन्होंने मुझे सिंबल दिया था, अब कोई नहीं है। पापा भी नहीं है, कोई नहीं है, तो खुद ही अपना सिंबल AB फॉर्म मैंने खुद ही साइन किया, खुद ही को पकड़ा दिया और खुद ही उतर गया चुनाव लड़ने। अब ये वो चीजें हैं जो लोग पता नहीं कितना समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, बट ऐसे समय में ना वो एक टीस,
महसूस होती है। आपको खूब सा